तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक को लेकर के जिस स्टॉक के ऊपर हमने वीडियो बनाए थे बहुत पहले, ठीक है। अब अच्छा खासा रिटर्न बना करके लोगों को दे रहा है। और स्टॉक देखो, उस चीज़ पे वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि उस स्टॉक का नाम पहले लिखिए जिस स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए आपको देखना है, ठीक है। उस स्टॉक का पहले नाम लिखिए, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखेंगे तो हमारे चैनल पे जो भी उस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनेंगे उसका अपडेट्स आपको तुरंत सामने निकल करके आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखलाता हूँ जिस स्टॉक के बारे में लोग बातें कर रहे हैं वो है SBC एक्सपर्ट डिजिटल फ्रेंजी। तो SBC एक्सपर्ट डिजिटल फ्रेंजी लिखते ही आपके सामने आ जाएगा वो जिसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाए थे। देखो 10 मंथ पहले ये डिजिटल फ्रेंजी हमारे चैनल और 16 रुपये के प्राइस में स्टॉक मिल रहा था, यहाँ देख सकते हो शो कर रहा होगा, ठीक है। तो उस दौरान वीडियो बना था 10 महीना पहले और अभी और नीचे आए तो 9 महीना पहले भी अपडेट्स आपको दिया गया था इस स्टॉक को लेकर के। और 9 महीना पहले भी 15 रुपये के प्राइस में जब स्टॉक मिल रहा था, तो टाइम टू टाइम आपको वीडियो बना करके अपडेट्स दिया जाता है स्टॉक को लेकर के। तो अगर देखा जाए क्या कंपनी का उस टाइम क्या चल रहा था, देखो कई वीडियो बनाया गया है जिसमें से हम लोग कोई भी एक वीडियो प्ले करके देखते हैं। शानदार नहीं बोल सकता जब तक आप वीडियो को पूरा कंप्लीट और स्टॉक भी उसमें सस्ता था, अभी थोड़ा महंगा हो चुका है। प्रमोटर के पास काफी अच्छी होल्डिंग थी, स्टॉक लेकर के आए हमें आपके लिए। हिसाब से भी जब फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल स्ट्रांग लगा हमें, फ्री कैश फ्लो भी था कंपनी के पास, तो हम इस विषय पे कुछ बोल सकते हैं कि नहीं शानदार अच्छा है खराब है कैसा है। तो अगर हम लोग चेक आउट दोस्तों, ये स्टॉक BSE में लिस्टेड है, NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। और एक बार ये रहा स्टॉक का नाम, ये स्टॉक मुझे SBC एक्सपर्ट लिमिटेड, ठीक है, अच्छा लग रहा था। तो देख सकते हो SBC एक्सपर्ट लिमिटेड के ऊपर पहले वीडियो बनाया गया था। अभी देखो 28 रुपए के प्राइस में चल रहा वही स्टॉक, 15 रुपए के प्राइस से मतलब आपका पैसा 1x का रिटर्न तो आराम से बना करके दे ही दिया। एक बार फिर से दोबारा से हम लोग चेकआउट करते हैं क्या है कंपनी की फंडामेंटल, अभी जिस हिसाब से कंपनी क्या कर सकता है, या जो लोग उस टाइम अपने नज़रों में बना करके स्टडी पर्पज़ से रखे होंगे अपने नज़रों में बना करके, वो अभी कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये स्टॉक ना मार्केट कैप 594 करोड़ का है, करंट प्राइस चल रहा है 28 रुपये हो चुका है, 29 रुपये का हाई लगाया कंपनी ने और 8 रुपये 50 पैसे का इस स्टॉक ने लो लगाया था। स्टॉक की है 53, थोड़ा सा महंगा है पहले का अपेक्षा, और बुक वैल्यू है 1.65 रुपये की। कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 0.18%, ROC है 23%, ROE है 22%, दोनों ही लाजवाब फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है और डेप्ट इक्विटी रेशियो है 0.77। एनुअली प्रॉफिट हो रहा है 6.80 करोड़ का डेप्ट। अभी देखो पहले कर्ज नहीं था कंपनी के पास, अभी कंपनी के पास 26 करोड़ का कर्ज हो चुका है। डेप्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा महंगा अभी कर्ज, थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं क्योंकि 0.50 होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, इंडस्ट्री पी है 36, EPS 52 पैसे की। फ्री कैश फ्लो पहले फ्री कैश फ्लो था कंपनी के पास, अभी फ्री कैश फ्लो हट चुका है, ठीक है। ये कोई बहुत वो वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आते हैं हम लोग कहाँ पे फ्रोज की तरफ। उससे पहले बताते दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाई और सेल कर सकते हैं। प्रोस के अंदर देखा जाए तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 51% तक का कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर रही है। 10 सालों में इनका सेल्स ग्रोथ 35% का काफ़ी शानदार है, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टर वाइज देखेंगे, जून वाले का आ गया है क्वार्टर का, लेकिन सितंबर का नहीं है। इस जून में 5 करोड़ का आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पहले 2 करोड़ का आया हुआ था। तो क्या आपको लग रहा है पहले की अपेक्षा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रही है कंपनी, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं जिस वजह से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है। अभी नेट प्रॉफिट 4.58 करोड़ का, पहले 2.34 करोड़ का था।
आए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेसिस चेकआउट करते हैं तो TTM में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 13 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी करंटली, 2023 में 11, 2022 में 8, 2021 में 4, 2020 में 4। तो कंपनी आपको क्या दिखला रही, ग्रोथ करती हुई दिखला रही है, ईयरली बेस पे और क्वार्टरली बेस पे ही ग्रोथ करती हुई दिखला रही है। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ हो चुका है TTM में, 2023 में 7 करोड़, 2022 में 3 करोड़, 2021 में 2 करोड़। तो इस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, क्वार्टरली ईयरली बेस पे इंक्रीजमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है। अभी देखो पहले डिविडेंड भी नहीं पे आउट किया कर दी थी कंपनी, अभी करंटली 16% का डिविडेंड भी कंपनी पे आउट करी, क्या ही चाहिए। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ सारी चीज़ें बेहतर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी 12 महीनों के अंदर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउन दिखला रहा है, बट टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 26% है 12 महीनों के अंदर, इशू प्राइस CGR 137 और एक साल में 207%, रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 22% है, तो काफ़ी शानदार है। आते हैं हम लोग कहाँ बैलेंस शीट की तरफ चेकआउट करते हैं, क्या कंपनी के पास रिजर्व, तो 14 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, और कर्ज की बात करें 27 करोड़ का इनके पास कर्ज है, और पहले 9 करोड़ का कर्ज था, अभी कर्ज इनका इंक्रीज हुआ है। और आते हैं हम लोग कैश फ्लो की तरफ, तो 12 करोड़ का निगेटिव है कैश फ्लो और नेट कैश फ्लो 1 करोड़ कंपनी के पास। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात कर लें तो 65% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, पहले 67 था, और जिसमें वीडियो बनाया गया था उसमें भी 65% की ही होल्डिंग थी, अभी भी उतना ही का बना हुआ है, ठीक है। हल्का फुल्का क्वांटिटी डिक्रीज की गई है प्रमोटर तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं। आज जो डिक्रीज किया गया वो FIIS वाले ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 34% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो अच्छा खासा होल्डिंग प्रमोटर के पास। पब्लिक अंदर देखा जाए क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है, चेकआउट करते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप फिस्ट और एंजल वन का दोनों का लिंक दिया गया, तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। अभी देखो दोस्तों ओपन हो रहा है, तो अभी नेटवर्किंग प्रॉब्लम होने की वजह से स्लो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक का नाम तो आपको पता है, चलते हैं हम लोग टेक्निकल की तरफ। तो इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ परसेंट 2-4% इंडिविजुअल्स की होल्डिंग जैसे 1.20% है MS के पास है, 1.53% होल्डिंग लक्ष्मी श्री जी के पास है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनके पास है। तो चलते हैं हम लोग सीधा सीधी कहाँ पे, टेक्निकल पे। और जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें कि कंपनी क्या कामकाज करती है, ठीक है। देखो कंपनी इज़ द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, मैन पावर सप्लाई सर्विस, टूर ऑपरेटर सर्विस। करंटली को हैज 70 डिस्ट्रीब्यूटर इनके पास ऑल इंडिया, और फिर रिसीव एन एवरेज 75 न्यू प्रोजेक्ट एवरी ईयर। और मिस्टर गोविंद जी गुप्ता इज़ द MD हैं इस कंपनी के। तो आप कहाँ आ चुके हो, देखो हम आ चुके हैं कंपनी की टेक्निकल तक, और टेक्निकल में आपको क्या देखने मेरे ऑल टाइम हाई के पास अभी करंटली ये स्टॉक ना आपको 29.76 का रिटर्न हाई लगा करके स्टॉक नीचे आया हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी भी ऑल टाइम हाई के पास है। और ये स्टॉक का, इस स्टॉक का टारगेट बहुत ज़्यादा लंबा, ये स्टॉक यहाँ से निकला है ना, तो आपको ये टारगेट दिखा सकता है क्या, 67 रुपये का और 73 रुपये का। लेकिन मैंने क्या बोला था कि देखो जब भी पेन ये अभी तो ये स्टॉक का प्राइस 27 पे दिख रहा है, उससे पहले कहीं 8 रुपये 7 रुपये 8 रुपये और 10-15 रुपये 10 रुपये 12 रुपये के प्राइस में स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाकर के अपडेट्स दिए गए, ठीक है। तो उस दौरान पेनी स्टॉक था, अभी भी पेनी स्टॉक है, अभी भी तो पेनी स्टॉक के अंदर ना आप रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही एंट्री करें। देखो पेनी स्टॉक जितना हाई रिवॉर्ड बना करके दे सकता है ना, उतना ही हाई रिस्की होता है स्टॉक के अंदर, कुछ भी हो सकता है। जैसे अक्षिता कॉटन को ले सकते हो आप, BCG स्टॉक को आपके सामने है देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल के तौर पे है, पेनी स्टॉक के अंदर हवा हवाई रहता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पंप और डैम वाले स्कीम चलते हैं, तो उसके लिए इन चीज़ों के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और सतर्क हम कैसे रह सकते हैं, बॉटम में कैप्चर करने की कोशिश करें। और अगर पंप, देखो अगर आप बॉटम में कैप्चर किए हो बिल्कुल सपोर्ट के पास, तो अगर पंप और डंप करने वाला अगर कोई ऑपरेटर आता भी, महा खलनायक आता भी, तो क्या करेगा, वो भी तो बॉटम में ही कैप्चर करने की कोशिश करेगा, बॉटम में कैप्चर करेगा और पूरा ऑल टाइम हाई पर ले जाएगा, वहाँ ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन 200-300% 400% कम से कम 200-300 के ऊपर ही ले जाते हैं,
कभी कभी 10x, 20x, 50% का 50x भी का रिटर्न लाते हैं, तब जा कर के वो पंप आउट। जब तक रिटेल की एंट्री होने ना लगे तब तक वो छोड़ते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। तो अगर देखो उन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि 100% की प्रॉफिट आया तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, अपनी कैपिटल को बाहर कर सकते हैं, जिससे कि हम सेफ और सुरक्षित हो सके, क्योंकि आपका पैसा निकल गया रहेगा, प्रॉफिट के पैसे रहेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने की चिंता टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका अपना पैसा तो निकल ही गया रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम काम काज करके चल सकते हैं, जिससे कि देखो आपका पछतावा नाम, देखो स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लिए होना तो पूरा रिक्स, आपका स्ट्रिक एक रूल होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे आप काम कर सको, ठीक है। तो अपनी मंथली इनकम का मात्र 2-5% तक का हिस्सा पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मतलब ऐसा पैसा हो जिससे अगर वो खो भी जाए तो हमें ज़्यादा अफसोस ना हो, ठीक है। जो आप दारू पी के मतलब उड़ा देते हैं पैसा, सिगरेट पी के फूंक देते हो, ऐसे पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ज़रूर पेनी स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक को अभी देखो, अभी करंटली ऑल टाइम हाई के पास है, अभी भी ये स्टॉक कैपेबिलिटी रखता है इस लेवल से आपको कितने परसेंट का रिटर्न देने के लिए। अगर हम इस लेवल पे बाई करें तो अभी भी ये स्टॉक 130 और 51% का रिटर्न बना करके दे सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न उनके लिए सेफ रहेगा जो पहले से 100% की प्रॉफिट में अपनी कैपिटल निकाल चुकी हैं। वो अगर यहाँ से देखो, जो न्यू इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाहिए हमेशा किन से, जब और स्टॉक ऑल जब कोई भी स्टॉक हो ऑल टाइम हाई के पास हो, ऑल टाइम हाई के पास कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। अगर स्टॉक ऊपर के लेवल से पे अगर आपने एंट्री लिया इधर कहीं, ठीक है, और स्टॉक लॉस आपने नहीं सेटअप किया है और आ गया स्टॉक इस प्राइस में, तो क्या करोगे, आपका 41% का लॉस, अगर इस लेवल पर आया 30% का लॉस। इतना जल्दी जल्दी स्टॉक ऊपर की तरफ मूव नहीं करता है, ठीक है। और इस स्टॉक अगर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ऊपर की तरफ भागता है। देखो 8 रुपये के प्राइस से 4 रुपये और 6 रुपये के प्राइस से स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ भागने पर लगा है। स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, देखो 200 रुपये के प्राइस में कभी मिला करता है ये स्टॉक, लेकिन स्प्लिट्स की वजह से ये स्टॉक उस लेवल से नीचे आया और आज अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रहा है। तो बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ देखो स्टॉक को स्टडी पर्पज से अपने नज़र बना के रख सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल कर दे तो आप अपने बाय और सेल कर सकते हैं दोस्तों।